राम राम भाई। सारी बाणा ने उम्मीद करूं कि सारी बाण ठीक ठाक होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो भाई आज तुमने बता दूं मेरी बेटी का बर्थडे है, तो भाई जल्दी जल्दी विश कर दो सारे। तो क्योंकि आज मैं बहुत कुछ ही गहरी बात बताऊंगी, लेकिन जो मैं बात बताऊंगी उसके लिए तुम्हें वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो भाई, कपड़े पड़े हैं मेरे सारे, बैक कैमरा करके दिखा दूँ मैं तुमने एक बार। ये देख लो बेबे, मैं सोचू थी अलमीरा सेट करूँगी, लेकिन नहीं, टाइम नहीं लग रहा मैंने अलमीरा सेट करने का। ये सारे सूट भाई तय करने हैं, और मेरा नया सूट भी सिल्क आ गया है, तो मैं दिखा दूँ जो मैं आज हेजल के साथ मैच करके पहनने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरा मेरी बेटी का बर्थडे है और मेरा भी दूसरा जन्म है, क्योंकि माँ बनना औरत के लिए दूसरा ही जन्म होता है। ये सब मैंने बड़े बूढ़ों से अपनी दादी और का किरतियत सुनी है भी, माँ बनने के बाद औरत का दूसरा जन्म होता है, ये सच्चाई है। ये देखो भाई किसा लग गया तुमने मेरा सूट कलर, कमेंट करके बता दियो। ये मारे हुए सूट है मेरे और गुड्डी के पे सिलने जा रहे हैं दोनों के, येल्लो येल्लो कलर ये सिलका है। पीछे तुमने दिखाओगे किसे के लागे, और ये सूट की मैंने बनवाई है बेबे पैंट, ये देखो ये वाला डिजाइन मैंने इसमें डलवाया है। अभी प्रेस नहीं हुई है तो फिनिशिंग नहीं दिखेगी थोड़ी सी, और इसका बैक के गला दिखा दूँ तुमने एक बार। ये रहेगा इसका बैक का गला, ये इसका नीचे लटकना आ गई, और ये बाजू में डिजाइन आ गया, क्योंकि अभी इसकी इंटरलॉक करूँगी और इसने पहनने लायक करूँगी मतलब। और भाई तुमने दिखा दूँ मैं हेजल के लिए क्या क्या लेके आई हूँ, ये देखो ये मैं हेजल के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ बहुत सारे, तुमने लिकाड़ के दिखा दूँ बेबे। ये देखो एक गिफ्ट सही वो है, इसके अंदर क्या क्या है वो भाई मैं फुल व्लॉग बनाऊँगी उसका, तब देखियो ठीक है। तीन चार पाँच गुम हो जाए, पाँच और छः, पूरे सिक्स गिफ्ट आई हैं उनके छः। और भाई मैंने जैसे आप जैसे साल की होती है ना उतने गिफ्ट लेके आती हूँ मैं इसके लिए, तो इसकी बार यह होगी नौ साल की, तो गिफ्ट लेने थे नौ, आए हैं छः, सात आठ नौ, तीन गिफ्ट भाई मैंने इनसे दे दिए खान पीन के, जैसे कि इन्होंने मेरे से कई चीज़ मांगी थी मैंने इनको खिला दी, सुबह से लग रही हूँ मतलब खिलान। तो भाई गिफ्ट तब ने देख लिए हैं, और इतने सारे गिफ्ट मतलब मेरी बेटी को तो अपने बर्थडे पर हर साल जितने साल के होंगे उतने गिफ्ट चाहिए, मैंने तो ला दिए हैं। और आप लोग अपने बच्चों का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो भाई हेजल मेरे को काफ़ी लेट हुई थी, शादी के कुछ साल बाद हुई थी, लेकिन उस कुछ सालों के जो बीच का सफ़र था ना वो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि भाई हमने, हाँ लगे रहते थे अपने मतलब डॉक्टर का जान भी डॉक्टर क्या कहेंगे, ठीक है होता है ना कि हर फैमिली को ही होता कि बच्चा हो, लेकिन ना तो कभी दबाव मेरी सास ने डाला कि भाई क्या दिक्कत है, हाँ ये कहा करती है कि बेटा तुम नहीं मान रहे तो खाओ दवाई, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम आता है, जब टाइम आएगा हो जाएगा। ना कभी हस्बैंड ने दबाव डाला कि बच्चा नहीं है मेरा भाई क्यों नहीं हो रहा है क्या दिक्कत है, कभी कभी मतलब डिस्कस भी नहीं हुआ उस चीज़ पे कभी भी कि हो जाएगा। मैं बल्कि कभी कभी ये बोलती थी कि आपको महसूस भी नहीं होता क्या, मतलब क्या हो जाएगा टाइम आएगा तब, कभी नहीं बोला। और लेकिन बोलते हैं ना बाहर वाले, ये बाहर वाले लोग ये चार लोग नहीं जीने देते दुनिया को, तो ये जो होते हैं ना ये बहुत भयंकर होते हैं। तो भाई बहुत जगह घूमी मैं, डॉक्टर रीटा गुलाटी रोहतक की सबसे मशहूर डॉक्टर है, और कई डॉक्टर आ गई नॉर्मल जो गामा में भी एक आदि कि उड़ आ जा भाई उड़े देवें दवाई, या उड़ चली जा उड़ देवें दवाई, कई जगह गई मैं ऐसे, लेकिन होता है ना हर चीज़ का एक टाइम आता है, वो टाइम आया और मुझे मैंने कंसीव किया और मेरी बेटी हो गई। लेकिन बाहर वाले तो थोड़ा सा यूँ हो जाते हैं, इनका ना हो भाई, इनका बहू का ना हो गए सब बिक्री का ना हो क्यों नहीं होंगे भाई। तो भी इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक चीज़ डिस्कस करने के लिए आई हूँ कि देखो हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए इंसान में, मैंने हिम्मत नहीं हारी थी कि टाइम आता है हर चीज़ का हो जाएंगे,
तो भाई मैंने कैसे कंसीव किया था मैं सिर्फ ये बताऊंगी, क्योंकि ये तुम लोगों का काम है बोलने का, बोलने दो उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, या मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं आराम तो अपना जॉब करा करती, तड़के अपना राशन पानी बांध के जाया करती और सामने अंधेरा हुई घर बैठा करती, फिर खा पी कर आराम तो मस्त होया करती, क्योंकि मैं बाहरी दुनियादारी तो थोड़ी दूर रही हूँ हमेशा, और अभी भी रहती हूँ, अभी भी दूर ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता कि जो फालतू की चुगलपट्टी लेडीज़ करती हैं। तो भाई मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ थरते एक चीज़ बताऊँगी, मैंने कहाँ से दवाई ली थी कंसीव करने के लिए। मैंने ली थी भाई गन्नौर तक, बहुत बढ़िया डॉक्टरनी है, इंदिरा खत्री डॉक्टर का नाम है, और स्टेशन से उतरते ही ऐसे उतर के चलते हैं, थोड़ी सी पार्क है साथ में, पार्क वाली गली में घर है उसका, ज़्यादा दूर नहीं चलना, अगर कोई ऐसे एज ए विदाउट कॉन्टैक्ट भी जावा ना उड़े तो उसे पे उतर कर, जैसे कि बहुत सारी दुकान है, कोई भी पूछ ले बता देंगे आपको, इंदिरा खत्री के नाम से ही बता देंगे, डॉक्टर बहुत अच्छी है, खुद घर में ही दवाइयाँ तैयार करती है, तो मैं बता दूँ बहुत अच्छी दवाइयाँ तैयार करती है, और भाई अच्छे से हैंडल करती है, जो समस्या होती है वो बताती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रही, सारी चीज़ खोल कर बता देगी तुमने। रही 9 बज के 9 बजे से लेके 1 बजे तक ही देखा करा, 1 बज के 1 मिनट पर जाओगे तो भी नहीं देखेगी। हाँ कॉन्टैक्ट नंबर मैं तुमने भी आड़ दूँ नहीं, क्योंकि देखो पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं भाई, मैं ऐसे नहीं दे सकती, क्योंकि जब से मैं उनके लिंक में नहीं हूँ, सीधी सी ये बात है। हाँ एक दो बार किसी ने पूछा कि बहन पूछ दो डॉक्टर मिलेगी नहीं, ऐसे मैं कॉन्टैक्ट करके कॉल करके पता कर लेती हूँ कि मैम आप मिलोगे या नहीं मिलोगे, तो उनको बता देती हूँ। तो काफ़ी लोगों को, काफ़ी लेडीज़ों को मैंने वो दिया है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और काफ़ी अकबी बच्चे हो लिए। अगर कौन सी बाण दुखी हो रही हो ना तो एक बार गन्नौर जाकर ज़रूर चेक करवा कर आइयो, और मजाक की बात नहीं है कि तब मैं वो डॉक्टर साल भीतर बेबी दे देगी, मतलब अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो, प्रॉब्लम होगी वो भी बता देगी, ये तक बता देगी भाई कब तक कंसीव करोगे बेटा, और बताओ इस तरह और बड़ी क्या होगा होगी। क्योंकि मैं जिस टाइम उसके पास गई थी ना, तो कोई आग्रह ने एक तरह से चारों तरफ से हिम्मत हार चुकी थी मैं, क्योंकि जिस डॉक्टर का मेरा इलाज चल रहा था उसने मेरे से बता दी थी कि आपकी दोनों ट्यूब बंद हैं और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर बेबी ट्यूब करवाना पड़ेगा। तो भाई जब मैं उसके पास गई तो उसने वह रिपोर्ट फेंक दी थी, तो बोली बेटी जम कह 6 महीने दवाई खा ले, 6 महीने के बाद बात करेंगे। माँ ठीक है, मैंने भाई 6 महीने मैं थोड़ी सी हेल्दी भी हो रही थी उस टाइम पर, मोटी हो रही थी, 6 महीने में मैडम जी ने मेरा कति सारा था वेट तोड़ दिया, मैं कति स्लिम बना दी वे जसीब हूँ, अब इसी कर दी थी, और पता नहीं उसकी दवाइयाँ में क्या जादू था। 6 महीने 6 महीने मैंने कंसीव कर लिया था, ये तुम खुद देख लो, जब अगली ने मेरे यूँ की थी 6 महीने दवाई खा ले, तो कुछ तो बात थी, और कुछ नहीं बताया था, बोले कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है दवाई खा बेटा, और भाई 6 महीने के बाद फिर बोली हाँ बता मिला रिजल्ट, मैं कहा मिल गया। तो भाई कौन सी बाण दुखी हो रही, तो देख मैं तो यही कहूँगी कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करके नंबर ले इसको और जास को, और जिस बाण का लवा पड़ता हो वह तो जरूर जाइए भाई, और मैं तो यूँ कहूँ दूर भी पड़ता हो तो जाओ एक बार जाकर जरूर देखो, कितनी अच्छी अच्छी डॉक्टर हैं, मतलब मन तो वाह भाई भगवान दिखा कर सही बता दूँ, क्योंकि जिसने आपकी गोद वर्दी वह भगवान तो कमता तो कौन ही। ठीक है भाई ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा थरती मैंने दिखा दी, तो आज छोटे से व्लॉग में काम चला लो, थरती एक पॉइंट की बहुत बड़ी बात बता दी है, तो जल्दी तय वीडियो ना लाइक कमेंट शेयर कर दो, और चैनल पर जो कोई नया हो सब्सक्राइब कर लियो, तो भाई राम राम।